सरेआम गुंडागर्दी है जी। चलो ये तो फिर भी प्यादे ने सरकार के हुक्म है, इन्हों की गलती नहीं है, तो सरकार के हुक्म मानते हैं पिछे किया गया। बाकी तुम भी देखिए कि लाठीचार्ज वाली कोई गलबात नहीं है, लाठीचार्ज नहीं करे वो बैरीकेड इन्हों खिच खिचा दे किसी कोई मामूली चोट ना लगी हो। चलो पुलिस नाल धक्का होगा तां वी असीं नाल खड़ांगे, ये हाल है जी। अब पता नहीं कितने कितने लगिया ने। हाँ जी हाँ, पता नहीं कितने कि 2024 के चुनाव में पूरे देश की जनता और चंडीगढ़ की जनता इस चंडीगढ़ के अंदर से भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और हम पीसफुल तरीके से आगे बढ़ने का काम करेंगे। सरेआम गुंडागर्दी है जी। चलो ये तो फिर भी प्यादे ने सरकार के हुक्म है, इन्हों की गलती नहीं है, तो सरकार के हुक्म मानते हैं। मैं फिर भी यह गल कहना जब पुलिस नाल धक्का होगा तां भी असीं खड़ांगे, इन्हों के भी नाल खड़ांगे। देखना पैना जी, ये हाल है जी। अब पता नहीं कितने कितने लगिया ने। हाँ जी हाँ, पता नहीं कितने कितने आग फटे हैं, ये देखो ये आग बच गई। और ये गांधी गांधीवादी सोच की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, हमेशा पीसफुल और शांतिपूर्ण तरीके से चलने का काम करती आई है, आगे भी पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा। लेकिन हम अपने मकसद का, जो लोकतंत्र को बचाने का और संविधान की देख रेख करने का काम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आगे बढ़ के किया है, और इस भाजपा तानाशाही सरकार के खिलाफ हम एकजुट होकर मजबूती से पूरे देश में अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और इस सरकार को चेताना चाहेंगे कि 2024 के चुनाव में पूरे देश की जनता और चंडीगढ़ की जनता इस चंडीगढ़ के अंदर से भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और हम पीसफुल तरीके से आगे बढ़ने का काम करेंगे। पीछे किया गया। बाकी तुम भी देखिए कि लाठीचार्ज वाली कोई गलबात नहीं है, लाठीचार्ज नहीं करे वो बैरीकेड इन्हों खिच खिचा दे किसी कोई मामूली चोट ना लगी हो, बाकी कोई फोर्स नहीं यूज की थी। नहीं जी, वो तो जो बैरीकेड खिंच रहे थे उदो उन्होंने रोकया। नहीं नहीं, यह कोई गलबात।